प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड सिस्टर अनीता, सिस्टर रॉबर्टा, दिनेश, प्रेज लॉर्ड। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद हो यीशु आपकी भलाइयों के लिए, धन्यवाद हो यीशु आपके प्रेम के लिए। थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड। महिमा अवंती, विजय, सिस्टर रोजी, सिस्टर रचना, प्रेज द लॉर्ड सभी को। शालिनी आंटी, प्रेज द लॉर्ड। निर्मला, प्रेज द लॉर्ड। अर्पण, प्रेज द लॉर्ड। मैं बिलीव कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ अब तक साफ साफ क्लियर पहुँच रही है। आइए क्यों ना कुछ समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की भलाइयों को याद करें, प्रभु के उपकारों को याद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें, आप जिस स्थान पर हैं, आप जिस जगह पर हैं, अपने घरों पर हैं, आइए थोड़ी देर के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु को धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए, धन्यवाद दें प्रभु को आज की इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए, जहाँ पर प्रभु ने आपको मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर रहते हुए हम कुछ परमेश्वर के लिए कर सके, हम लोग हमारे जीवन में आनंद कर सके, हम लोग हमारे जीवन को आनंद के साथ जी सके। आज की सुबह में मुझे ऐसा कहने दीजिए, प्रभु आपको आनंदित देखना चाहता है, प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन में आनंद करें, प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन में खुश रहें, प्रभु चाहता है कि आप अपने परिवार के साथ, आप अपने परिवार के लोगों के साथ खुश रहें, प्रभु आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन को आशीषित देखना चाहता है। और बिलीव करें चर्च के लोगों की आज की सुबह में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इस बात को समझते हुए कि सेनाओं का यहोवा आपकी ओर है, वो आपको खुश देखना चाहता है। मैं कई घरों को इस समय जब मैं स्पिरिट में प्रेयर कर रहा हूं, जब मैं अपने आत्मा में इस बात को देख पा रहा हूं कि कई लोगों के घर के अंदर बहुत अंधेरा सा है, अंधेरा दर्शाता है उनके घर की अशांति को, अंधेरा दर्शाता है उनके सारी होप के खो जाने को, अंधेरा दर्शाता है उस शैतान की उपस्थिति उनके जीवन और उनके घरों में होने को। उनके परिवार में शैतान की योजनाएं, शैतान की उपस्थिति का, उन दुष्टात्माओं का उनके परिवार में होना, उनके घरों में होना। आइए क्यों ना हम लोग यीशु की रोशनी को वहां पर लेकर आए, आइए क्यों ना हम लोग यीशु की रोशनी को वहां पर मांग लें, क्योंकि जहां पर यहोवा का तेज उजियाला पहुंचता है, वहां पर अंधकार मिट जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक ऐसा परिवार, हर एक ऐसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे, जो जिनके घर में अंधेरा अशांति है, मेरा प्रभु उनके घरों में परमेश्वर अपनी शांति को लेकर आए, अपने आनंद को लेकर आए। थैंक यू जीसस। जितने लोग प्रभु इस समय आज की सुबह में मुझे देख रहे हैं, प्रभु उन्हें दीजिए आपका सामर्थी हाथ लोगों को छूने पाए, आपका प्रतापी हाथ लोगों को छूने पाए। आज आप लोगों को पिता परमेश्वर
आपके बच्चों से प्रभु आप बातचीत करें और होने दीजिए उनकी परिस्थितियों को आप छूए। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को प्रभु आप आशीषित करें। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, सुनो ग्रंथ की चिंता। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है, प्रभु ने अपॉर्चुनिटी दी कि हम सब मिलकर प्रभु के वचन में से कुछ बातों को सीख सके, कुछ बातों को मनन कर सके, हम लोग कुछ बातों को हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों से सीख सके। इस समय आइए क्यों ना हम लोग बाइबल का वर्स निकाल लेंगे, दूसरा राजाओं पांचवा छठवां अध्याय, दूसरा राजाओं छठवां अध्याय और इसकी नवी आयत को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं छठवां अध्याय इसकी नवी आयत को हम लोग पढ़ेंगे। सो जल्दी जल्दी सब लोग इसे निकाल लें। सेकंड किंग्स चैप्टर 6 वर्स 9, सेकंड किंग्स चैप्टर 6 वर्स 9। परमेश्वर अपने भेद की बातों को, परमेश्वर अपने हृदय की बातों को लोगों को बताता है। परमेश्वर अपने भेद की बातों को, परमेश्वर अपने हृदय की बातों को अपने लोगों को बताता है। जब इस वर्ड्स को, जब इस आयत को आप समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको पता चलेगा कि प्रेम करने वाला परमेश्वर आपको कैसे बचाता है, आपको कैसे मुसीबतों से निकालता है। अब छठवें अध्याय की पहली आयत से हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग का जो मेन केंद्र बिंदु है वो है हमारी नवी आयत, मगर हम लोग इसे पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं पहली आयत से। जिन जिन लोगों ने इसे फेसबुक पर शेयर किया है मुझे बता दीजिए कि आपने इसे फेसबुक पर शेयर कर दिया है। साथ ही साथ कोशिश करिए इस लिंक को अभी कॉपी करें और लिंक को कॉपी करके आप बहुत जल्दी से इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, अपने व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट्स पर आप इसे शेयर करें और ऐसा लिख दीजिए कि पास्टर विशाल इज लाइव नाउ। नाउ अगर आप लिखेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि अभी लाइव है और जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ेंगे वो ज़रूर हमसे इस समय सीख पाएंगे और परमेश्वर के वचन में मनन कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, हम लोग छठवें अध्याय को पढ़ चुके थे, हम लोग आठवीं आयत को पढ़ रहे, सॉरी माफ कीजिएगा। आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था। सुनिएगा ध्यान से, आराम का राजा जो था वो इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी, किसी एक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा। सुनिएगा ध्यान से, तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर बाइबल कहती है कि जो आराम का राजा था, ये आराम का राजा इज़राइल पर चढ़ाई करना चाहता था, ये आराम का राजा जो था वो इज़राइल को अपने अधिकार में लेना चाहता था और आराम के राजा ने ये योजना बनाई। वो इज़राइल से युद्ध कर रहा था और उसने अपने सेवकों से कहा कि इस अमुक जगह मीन्स पर्टिकुलर कोई जगह, मान लीजिए कि जब भी कोई युद्ध होता था यदि इज़राइल से युद्ध कर रहे हैं तो वो अपनी छावनी बनाते थे। छावनी का मतलब एक ऐसे स्थान को बनाते थे जहां पर रहकर वे लोग युद्ध लड़ेंगे, और जो आराम का राजा था वो इजरायली राजा को हराना चाहता था और उसने प्लान किया कि मैं इस जगह पर
पर्टिकुलर उस जगह का नाम नहीं दिया है, मगर अमुक जगह लिखा है, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पर मैं अपनी छावनी बनाता हूं और वहां से मैं इज़राइल से युद्ध करके इज़राइल को हराऊंगा। और उसने अपनी छावनी जो है बनाई, मगर जब छावनी बनाई तब परमेश्वर के आत्मा ने एलिशा से कहा कि इज़राइल के राजा को बता दे कि आराम के राजा ने इस स्थान पर अपनी छावनी बनाई है, सो तू उस क्षेत्र में ना जाना, तू सतर्क रहना जिससे कि तू बचा रहे। आपको पता है जब आप इज़राइल के विषय में बातचीत करेंगे, इज़राइल में इज़राइली लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करी, बहुत सारी मिस्टेक करी। यदि हम लोग इज़राइल लोगों के जीवन को देखें, उनका रिलेशन हर समय अप एंड डाउन रहा। कभी वो परमेश्वर के क्लोज हो जाते, कभी परमेश्वर से दूर हो जाते, कभी परमेश्वर से बड़ा प्यार करते, कभी परमेश्वर से प्यार नहीं करते। और इस पूरे तरीके से जब आप देखेंगे, इज़राइली लोग कई बार परमेश्वर के अगेंस्ट गए। इतना ही नहीं, जब हम लोगों ने इस स्टडी को प्रारंभ किया था, आप लोगों को पता होगा कैसे इज़राइली लोग जो है वो परमेश्वर से फिर गए थे, कैसे इज़राइली लोग जो है वो परमेश्वर से फिर गए थे, बाल के आराधक बन गए थे। आपको पता है ऐसी दशा में भी परमेश्वर, ऐसी कंडीशन में भी परमेश्वर उन इज़राइली लोगों को बचाने के लिए, आराम के राजा से बचाने के लिए उस इज़राइल के लोगों को, उस राजा को पहले ही बता देता है कि आराम का राजा तुझे घात करने के लिए, आराम का राजा तुझे घात करने के लिए इस स्थान पर छावनी किए हुए। जरा एक मिनट दीजिए, बाकी चीज मत करें, मैं डिस्टर्ब हो। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आराम का राजा है उसने छावनी डाली हुई है, और परमेश्वर ने इज़राइल के अविश्वास योग्य होने के कारण, या उनके विश्वास योग्य न होने के कारण भी, परमेश्वर ने इज़राइल के राजा के पास ये खबर भेजी कि ये जो आराम का राजा है ये इस स्थान पर छावनी करके बैठा हुआ है तुझे मारने के लिए, और तू बचे रहना। पता है आपको समझ में आएगा इस बात को, हम कितने भी अविश्वास योग्य रहते हैं, हम कितने भी गलत रहते हैं, मगर प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारी केयर करना, हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ता है। हम अपनी जिंदगी में कई बार शायद अविश्वास योग्य हो गए, हमारे जीवन में शायद हमने उस फेथ को खो दिया, हमारे जीवन में शायद हमने परमेश्वर के उस प्रेम को, जो हम परमेश्वर से प्यार करते थे, हमने उसे शायद खत्म कर दिया। मगर वो सेनाओं का यहोवा जो हमसे प्यार करता है उसने नहीं छोड़ा। यहां पर इसराइलियों ने शायद कई मिस्टेक करी, मगर तभी भी परमेश्वर का वो बचाने वाला हाथ, मगर तभी भी परमेश्वर का वो केयर करने वाला हाथ, परमेश्वर का वो साथ वाला हाथ, वो उनके प्यार करने वाला जो हृदय है वो इसराइलियों से लगा हुआ था। चर्च के लोगों, आपके जीवन में कई प्रकार की आप मिस्टेक करते हैं, आप गलती करते हैं, पाप करते हैं, आप कुछ भी क्यों ना करते हो, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं उन गलती की दशा में भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जरूर परमेश्वर आपके आपके पापों से प्यार नहीं करता, जरूर परमेश्वर उन पापों से नफरत करता है, मगर तभी भी हमारे गलत होने के बावजूद भी परमेश्वर हमारी केयर करना नहीं छोड़ता। आप में से कई लोगों ने इस बात को अनुभव किया होगा, जब आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, जब आपने प्रार्थना करना छोड़ दी, जब आपने चर्च जाना छोड़ दिया, जब आपने प्रभु से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, ऐसी परिस्थितियों में भी यदि आप प्रॉब्लम में गिरे, खुदा ने आपको उठा लिया, खुदा ने आपको संभाल लिया। रीजन क्या था पता है? वो अभी भी प्यार करने वाला प्रभु है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये प्रभु की ड्यूटी है, ये परमेश्वर का काम है कि वो हमको, हमारी केयर करे, हमारी सुरक्षा करे, मगर सुनिएगा ध्यान से, हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी, हमारे गलत होने पर भी, वो सेनाओं का यहोवा हमारी केयर करता है। आप में से कई लोग होंगे जो सालों से चर्च नहीं गए होंगे, आप में से कई लोग होंगे जो महीने में एक बार संडे चर्च जाते, बाकी गोल मारते हैं,
अगर तभी भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसराइली लोगों के जीवन में कई प्रकार के पाप, कई प्रकार की गलतियां, कई प्रकार के मिस्टेक, इसराइली लोगों के जीवन में कई प्रकार के अप एंड डाउन्स, मगर ऐसे समय में भी परमेश्वर उनकी केयर कर रहा है। जब आप पूरे बाइबल को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, चाहे वो पुराना नियम हो या फिर वो नया नियम हो, परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों के लिए अलग है। वो बहुत अलग तरीके से अपने लोगों से प्रेम करता है। आप पुराने नियम में आप जब देखोगे इसराइलियों ने कितना पाप किया, कितनी गलतियां करी, मगर इसराइल के लिए परमेश्वर का हृदय अभी भी वैसे ही है, वो प्यार करने वाला है। हमारे जीवन में हमने कई प्रकार की गलतियां करी होंगी, कई प्रकार की मिस्टेक करी होंगी, प्रभु अभी भी बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है और कहता है मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। हालेलुया। पहली और इंपॉर्टेंट बात, हमारे गलत होने पर भी प्रभु हमारी केयर करता है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग जिंदगी भर गलत करते रहे और खुदा की केयर को, साथ ही साथ प्रभु न्याय करने वाला भी है। केयर से मेरा तात्पर्य यह है, शायद आप अभी तक, आज तक गलत कामों में थे, प्रभु आपकी, तो भी प्रभु आपको जीवित रखा है, तो भी प्रभु आपकी केयर कर रहा है, तो भी प्रभु आपके आपकी परेशानियों में आपके साथ खड़ा हुआ है। उस प्रेम को ग्रांटेड मत लीजिए, उस केयर को ग्रांटेड मत लीजिए, उस परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रांटेड मत लीजिए। हालेलुया। उस परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रांटेड मत लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सुनिएगा बड़े ध्यान से, आपके गलत होने के बावजूद, आपके पापी होने के बावजूद, आपके ऐसे होने के बावजूद जहां पर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपने गलत कर दिया, वो प्यार करने वाला प्रभु तो भी आपको नहीं छोड़ता, वो केयर करने वाला प्रभु तो भी आपको नहीं छोड़ता। जब मैं उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ता हूं तब मुझे ऐसा लगता है प्रभु कितना प्यार करने वाला प्रभु था, या प्रभु है, प्रभु कितना प्यार करने वाला प्रभु है, गलत होने के बावजूद भी वो प्यार करना नहीं छोड़ता। या पर अरामी राजा इज़राइल के लोगों को मारने के लिए, उन्हें नाश करने के लिए छावनी डाल कर बैठा है। इज़राइल के राजा को कुछ नहीं पता, इज़राइल के राजा को कुछ नहीं पता, कोई भेद लेने वाले वहां पर नहीं थे, कोई जानकारी लेने वाले वहां पर नहीं थे, कोई भेद बताने वाले वहां पर नहीं थे, कोई इज़राइल के दूत या खुफी संस्था वहां पर नहीं थी जो वहां की बातों को बताए, मगर एक यहोवा परमेश्वर था जिसने उन्हें बता दिया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब हम आगे पढ़ते हैं। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वह अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। यहां पर बाइबल कहती है कि इज़राइल के राजा से परमेश्वर ने कहा, एलिशा ने संदेश भेजा, चौकसी कर वहां पर नहीं जाना। आपको पता है चौकसी करने का मतलब ये है, ध्यान रख ये काम नहीं करना, ध्यान रख वो काम नहीं करना, ध्यान रख यहां से यहां पर प्रॉब्लम है, ध्यान रख यहां पर समस्या है। आपको पता है जब हम हमारे जीवन में चलते हैं, परमेश्वर हर मोमेंट पर हमें ऐसे ही गाइड करता है। हम लोग हमारी लाइफ में रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, परमेश्वर अपना सिग्नल हमें देता है, चाहे वो परमेश्वर के वचन से दे, परमेश्वर के दासों के माध्यम से दे, या किसी और बात से दे, मगर परमेश्वर आपको और मुझे वो संकेत देता है। समस्या सिर्फ इतनी है, यदि हम प्रभु में बने हुए तो हम वो संकेत समझ जाते हैं, यदि हम प्रभु में नहीं बने तो हम वो संकेत नहीं समझते।
प्रभु अपने वचनों से संकेत देता है, प्रभु अपने दासों के माध्यम से संकेत देता है। हो सकता है कि आज जो मुझे सुन रहा है कोई व्यक्ति, कोई भाई या कोई बहन बहुत पापों में होंगे, आज शायद कोई पाप करने का प्लानिंग होगा, और मैं आज सुबह यहां पर बैठकर यदि प्रचार कर रहा हूं कि प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है, प्रभु आपको सूचित कर रहा है, प्रभु आपको बता रहा है कि यदि आप ये सब ऐसा करेंगे तो आप इस पाप में गिर जाएंगे, आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, और ये शायद ये वर्ड उसके लिए एक संकेत हो सकता है। प्रभु किसी भी प्रकार से संकेत देगा, प्रभु किसी भी प्रकार से संकेत देगा, मगर वो जरूर ऐसा करेगा। रीजन क्या है पता है? वो प्यार करने वाला प्रभु है। आप पापों में गिरने वाले होंगे, आप शायद कल पाप करने के लिए आपने प्लान किया हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब पाप होता है कई बार ऐसा होता है कि अचानक पाप हो जाता, मगर कई बार हमारे एटीट्यूड ऑलरेडी हमारे अंदर है, हमको पता है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, हम पाप करने वाले हैं, हमें पता होने के बावजूद हम पाप करते हैं। परमेश्वर हमें संकेत देता है बचाने के लिए, यही होली स्पिरिट का काम है, यही परमेश्वर का काम है। अब सुनिएगा ध्यान से, 10वीं आयत। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा करी, और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। हालेलुया। ये एक दो बार की बात नहीं थी परमेश्वर की, कि परमेश्वर एलीशा को संकेत दे रहा है कि ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये और जाकर इज़राइल के राजा को बता कि इज़राइल के राजा वहां पर जाओ, और जाने के बाद वहां पर जाकर वहां पर इस स्थान पर नहीं जाना, उस स्थान पर नहीं जाना। गूगल मैप तो शायद अभी इन दिनों में आए होंगे, बाकी दूसरी इक्विपमेंट्स तो बाद में आए होंगे, मगर परमेश्वर का सैटेलाइट उनके उसके लोगों पर हर समय लगा हुआ रहता है। परमेश्वर अपने लोगों के ध्यान रखने के लिए, परमेश्वर अपनी लोगों की केयर करने के लिए उस फोकस को हर समय लगा कर रखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का सैटेलाइट हर समय घूमते रहता है आपको कैसे सुरक्षित रखे। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप कोई कौन सी प्रॉब्लम में से होकर आपकी मृत्यु हो सकती है, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, मगर इससे पहले कि वो प्रॉब्लम आपके पास आए, परमेश्वर ने उसे सॉल्व कर दिया। हालेलुया। एक अध्याय पढ़ेंगे हम लोग जहां पर हम इस विषय में और अच्छी तरीके से मनन कर पाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, निकाल लीजिए जेनेसिस चैप्टर 18, उत्पत्ति इसका 18वां अध्याय, और इसकी 16वीं आयत से हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। अब 17वीं आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने वाला है। यहां पर परमेश्वर सदोम और अमोरा के पाप के कारण उन्हें नाश करने वाला है। उन्होंने पाप किया, उन्होंने गलती करी, उन्होंने वो उस समय में इतने व्यभिचार बढ़ गए थे कि पुरुष पुरुष के साथ पाप कर रहा है, स्त्री स्त्री के साथ पाप कर रही है, और पाप का लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया था। और ऐसे समय में परमेश्वर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, ये लोग सुधरे, परमेश्वर ने डिसाइड किया मैं सदोम और अमोरा को नाश कर दूंगा। और जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए जाने लगा, अपने अपने दूतों को भेजने लगा, बाइबल कहती है उससे पहले वो अब्राहम के साथ वो दूत थे, और परमेश्वर 17वीं आयत में कहता है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। हालेलुया। परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने वाला है, इससे पहले कि परमेश्वर उसे नाश करे, परमेश्वर कहता है क्या मैं अब्राहम से छुपा कर रखूं,
देखिए अब्राहम का लेना देना क्या है उस चीज से, मगर क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का जन है, क्योंकि अब्राहम जो है वो परमेश्वर के हृदय के नजदीक है, जो अब्राहम है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला व्यक्ति है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि क्या मैं अब्राहम से इन सब बातों को छुपा कर रखूं क्या? परमेश्वर अपनी गुप्त बातों को, परमेश्वर अपने हृदय की बातों को, परमेश्वर अपने सीक्रेट्स को अपने लोगों के साथ शेयर करता है। परमेश्वर अपने सीक्रेट्स को अपने लोगों के साथ शेयर करता है। परमेश्वर अपने हृदय की बात को अपने लोगों के साथ शेयर करता है। आपको पता है, हम में से हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई चाहिए अपने दिल की बात बताने के लिए। हमें से हर एक को कोई ना कोई चाहिए अपने दिल की बात बताने के लिए। जब हम लोग खुश होते हैं, हम लोग किसी को ढूंढते हैं, ये खुशी मैं किससे बताऊं, मैं किससे बताऊं ये खुशी। हम प्रॉब्लम में होते हैं, हम लोग तभी भी किसी को ढूंढते हैं, ये प्रॉब्लम मैं किसी को किसको बताऊं। कई भाई बहन हमारे चर्च के मेंबर्स कॉल कर बताते, पास्टर हमारे जीवन में बहुत अच्छा हुआ। आप वो पहले व्यक्ति है जिनके साथ मैं ये गुड न्यूज शेयर कर रहा हूं, ये अच्छी बात मैं शेयर कर रहा हूं। क्यों? रीजन ये है, क्योंकि मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम क्लोज है, हम फैमिली है, हम अपने दिल की बात उनसे शेयर करना चाहते हैं। जब परमेश्वर कुछ भी इस पृथ्वी पर करता है, इससे पहले कि वो कुछ भी इस पृथ्वी पर करे, परमेश्वर अपने लोगों को बताए बिना नहीं रहता। इवन यदि वो आपकी सिटी में कुछ कर रहा है, और यदि आप अपने सिटी के लिए प्रॉफिट है, यदि आप अपने शहर के लिए प्रभु के जन है, इससे पहले कि वो सिटी में कुछ करे, प्रभु आपको वो बातें आप पर रिवील करेगा। इससे पहले कि प्रभु आपके आपके फैमिली में कुछ करे, प्रभु आप पर वो रिवील करेगा। हमारे हमारे घर में ऐसा कई बार होता है, हमारे परिवार में यदि कुछ भी होने वाला रहता है, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, परमेश्वर दर्शन के द्वारा कहीं ना कहीं मेरी पत्नी को वो चीज बता देगा। मेरी पत्नी ने जैसे ही कहा कि मुझे बड़ा बुरा सपना आया, तो मैं टेंशन में आ जाता हूं, अब क्या हो गया। और जरूर हम लोग प्रार्थना करके, ऐसे कोई भी स्वप्न जो होते हैं, हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये प्रॉब्लम हमें ऐसा लग रहा है कि प्रभु ये शायद आपने स्वप्न में इसलिए बताया क्योंकि आ सकती है। हम लोग उसे उसे कैंसिल करते हैं और प्रभु के फेवर को मांगते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर जो अच्छी बातें भविष्य में होने वाली है, वो प्रभु मेरी पत्नी को स्वप्न के बारे में बता देगा, मुझे बता देगा। हालेलुया। रीजन क्या है पता है? परमेश्वर इससे पहले कि कुछ करे, अपने लोगों के साथ उस बात को शेयर करता है। जैसे हम लोग होते हैं, हम अपने जीवन की बातों को लोगों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, वैसे यहोवा परमेश्वर अपने सीक्रेट्स को, अपनी भेद की बातों को अपने लोगों के साथ शेयर करता है। मगर उसे वो लोग चाहिए जो अब्राहम के जैसे हैं। उसे वो लोग चाहिए जो एलिशा के जैसे हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि परमेश्वर के पास कौवों की कमी नहीं है, परमेश्वर के पास एलिशा की कमी है, एलिया की कमी है। परमेश्वर के पास संसाधनों की कमी नहीं है, मगर परमेश्वर के पास उन एलिशा की कमी है। परमेश्वर के पास उन लोगों की कमी है जो परमेश्वर के वर्ड को हूबहू लोगों को बता सके। जब आप एलिया के विषय में सोचेंगे, एलिया जो था राजा के पास जाकर कह रहा है कि मेरे बिना कहे मैं नहीं बरसेगा। उसको पता था उसके उसके जान पर, उसके जीवन पर रिस्क है, मगर तभी भी वो बोल्डनेस के साथ जाता है और जाकर राजा से कहता है, और उसके बाद उसे छुपना पड़ता है क्योंकि राजा उसे मार डालना चाहता है। रीजन क्या है प्रभु के लोगों? रीजन क्या है चर्च के लोगों? रीजन सिर्फ इतना है, कारण सिर्फ इतना है,
प्रभु अपने मर्म को, प्रभु अपने भेद को, प्रभु अपने दिल की बातों को अपने लोगों के साथ शेयर करता है। बड़े ध्यान से सुनेगा, प्रभु क्यों अपने लोगों से, सुनेगा, प्रभु ने जब वो निनवे को नाश करने वाला था उससे पहले परमेश्वर ने योना को बता दिया। परमेश्वर ने कहा निनवे में बहुत पाप बढ़ गया है, योना जा वहां पर और जाकर वहां पर प्रचार कर, मैं निनवे को नाश करने वाला हूं। यहां पर अब्राम के सामने मैं सदोम और अमोरा को नाश करने वाला हूं, मैं अपने दिल की बात अब्राम से कैसे छुपा कर रखूं। सुनेगा, ये बताने का कारण क्या है, प्रभु जब आपको कोई भेद बताता है, प्रभु जब आपको कुछ बताता है तो क्यों बताता है, सुनिएगा ध्यान से। अब्राम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेंगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। आप तो जरूर परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप आशीषित रहेंगे, आप फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे, मगर प्रभु अपने भेद की बात, प्रभु अपने सीक्रेट्स क्यों शेयर करेगा, सुनिए ध्यान से। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करके रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान पर पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। जब आप इसे पूरा आगे पढ़ते हैं, तब आपको पता चलेगा। मैं कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ देता हूं। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। सुनेगा ध्यान से, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राम उसके समीप जाकर कहने लगा क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? सुनेगा अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा। परमेश्वर ने अपनी भेद की बातों को, परमेश्वर ने वो सदोम अमोरा को यदि नाश करने वाला था तो अब्राम को बता दिया, वो यदि निनवे को नाश करने वाला था तो योना को भेज रहा है। प्रभु ने ऐसा किया क्यों? रीजन सिर्फ इतना था क्योंकि प्रभु सदोम अमोरा के लोगों को बचाना चाहता था, उसका हृदय प्यार करने वाला, केयर करने वाला है। प्रभु निनवे के लोगों को बचाना चाहता था, उसका हृदय प्यार करने वाला और केयर करने वाला है। और जब आप आगे पढ़ेंगे परमेश्वर ने निनवे को बचा लिया क्योंकि वहां के लोगों ने पश्चाताप किया। परमेश्वर अपने भेद की बातों को क्यों आपको बताएगा, बताएं? क्योंकि परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है। हम में से सब लोग कहेंगे हमें प्रॉफिट बनना है, हमें प्रोफेटिक अनॉइंटिंग चाहिए, मगर जब तक आपके पास सोल विनिंग का बर्डन नहीं है, जब तक आप प्रभु के उस वर्ड को वर्ल्ड में शेयर नहीं करना चाहते, लोगों के आत्माओं को बचाने का कंसर्न नहीं है, ये प्रोफेटिक अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी। जितने भी प्रॉफिट्स बाइबल में हुए वो सारे के सारे प्रॉफिट्स जो परमेश्वर कहता था वो वैसा ही करते थे। सो यदि प्रोफेटिक अनॉइंटिंग चाहिए तो वो सोल का बर्डन, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का बर्डन होना बहुत जरूरी है। और यदि वो नहीं है आपके जीवन में, ये प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को आप क्या करेंगे, या आप कैसे उसे उसका आपके जीवन में क्या काम है? सुनिए, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग सिर्फ नेम और फेम के लिए नहीं है। पूरे पांचों जो परमेश्वर ने सेवकाइयां रखी है, जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री रखी हुई है, इन सब का केंद्र बिंदु जो है कैसे प्रभु पापी लोगों को बचा ले और उन्हें उद्धार दे दे। कोई भी मिनिस्ट्री, अपोस्टलिक हो, प्रोफेटिक हो, पास्टोरल मिनिस्ट्री हो, इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री हो, टीचर की मिनिस्ट्री हो,
कोई भी मिनिस्ट्री क्यों ना, उसका जो केंद्र बिंदु है वो एक ही है। कैसे? जो लोग शैतान के चंगुल में है, जो मर रहे हैं, उन्हें प्रभु बचा ले, और कोई रीजन नहीं है। यदि यूहन्ना का इस पृथ्वी पर आकर यीशु के लिए मार्ग तैयार करने का कार्य था, तो उसका रीजन ये था, वो मार्ग तैयार करना अर्थात वो आकर प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, तोबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर यदि अब्राहम से सदोम और अमोरा की बात को पहले ही रिवील कर रहा है, रीजन ये था, परमेश्वर उन लोगों को भी जो पाप में थे बचाना चाह रहा है अभी भी। इसलिए बाइबल कहती है अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। बोल्डनेस देखिए, जो अब्राहम था वो यहोवा के आगे खड़ा रह गया, अर्थात परमेश्वर को रोकने की कोशिश करने लगा। और आगे वो कहता है कि यदि यहां पर 50 लोग भी यदि विश्वास योग्य रहे, विश्वासी रहे, तो क्या इन 50 लोग के कारण तू सदोम और अमोरा को नहीं छोड़ देंगे? प्रभु कहता है चल छोड़ दूंगा तेरे लिए, तू बोल रहा है छोड़ दूंगा। फिर वो कहता है कि यदि 50 नहीं हुए तो नाश करना पड़ेगा। फिर आगे जब आप पढ़ते रहेंगे वो कहता है अगर 40 रहे तो क्या तू छोड़ देगा, यदि 30 रहे तू छोड़ देगा, यदि 10 रहे, 5 रहे। मगर आपको पता है वहां पर वो उतने लोग भी विश्वास योग्य नहीं निकले। जब परमेश्वर ने निनवे को नाश करना चाहा, परमेश्वर ने योना को तैयार किया, योना से कहा कि जा और जाकर निनवे में प्रचार कर, क्योंकि वहां पर पाप बढ़ गया है। अब योना जानता था कि परमेश्वर प्यार करने वाला है, उसे पता था परमेश्वर निनवे को बचाना चाहता है, इसलिए तो मुझे तैयार किया है। परमेश्वर इस वर्ल्ड को बचाना चाहता है, परमेश्वर आपकी सिटी को बचाना चाहता है, इसलिए तो आपको तैयार किया है। परमेश्वर इस देश को बचाना चाहता है, इसलिए तो आपको तैयार किया है। परमेश्वर आपके घर को बचाना चाहता है, इसलिए तो आपको तैयार किया है। और परमेश्वर ने योना को प्रिपेयर किया कि वो निनवे जाए, मगर योना अपनी कॉलिंग से भागने लगा। चर्च के लोगों, यदि प्रभु आप पर अपने भेद को प्रकट कर रहा है, अपनी कॉलिंग से नहीं भागना, मगर जिस काम के लिए प्रभु ने आपको ठहराया है वो करिए। यदि आपको लगता है कि आपके पास प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है, अपोस्टलिक अनॉइंटिंग है, आप आज आप इवेंजलिस्ट के जैसे है, कोई भी अभिषेक आपके पास क्यों ना हो किसी भी कार्य के लिए, मगर वो अभिषेक यदि आपके पास है उसको कार्य में लेकर आइए। प्रभु ऐसे ही बात नहीं कर रहा कि प्रभु फ्री था तो बोल रहा है चलो यार इससे बात कर लेते, कुछ बातें इसको बता देते, नहीं। प्रभु अपनी भेद की बातें अपने प्रिय लोगों पर प्रकट करता है, और किसके लिए? वो लोग जो नाश होने वाले हैं। यहां पर अराम का राजा आएगा और इज़राइल के राजा को मार डालेगा। प्रभु ये देख नहीं सकता, शायद इज़राइल के राजा को पता नहीं है, इज़राइल के लोगों को पता नहीं है, हमारे विरुद्ध जो है वहां पर अराम के राजा ने वो छावनी डाली हुई है। मगर परमेश्वर, उनकी केयर करने वाला परमेश्वर, उनके लिए सब जगह में ध्यान दे रहा था। आपको शायद पता नहीं होगा, ऐसे कई तीर आपके जीवन पर आने वाले थे, मगर इससे पहले कि वो आपके जीवन पर आते परमेश्वर ने उन्हें रोक दिया। इससे पहले कि वो आने वाले थे परमेश्वर ने आपको उस स्थान से हटा दिया। आप में से कई लोगों की गवाही होंगी कि आप जिस ट्रेन में जाने वाले थे, कुछ ऐसा हुआ कि आप उस ट्रेन में जा नहीं पाए और बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, या जो भी आप बस में जाने वाले थे, कई लोगों की टेस्टिमनी मैंने सुनी। क्यों? प्रभु बचाने वाला प्रभु है, प्रभु प्यार करने वाला प्रभु है, प्रभु केयर करने वाला प्रभु है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कितनी बार प्रभु ने आपकी जिंदगी को बचा लिया, कितनी बार प्रभु ने आपको उन प्रॉब्लम में से निकाल दिया। रीजन क्या है पता है? प्रभु प्यार करने वाला है, और प्रभु अपने हृदय की बात, प्रभु अपने सीक्रेट्स जो है अपने लोगों के साथ शेयर करता है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ, जब मैं परमेश्वर के कैरेक्टर को, जब मैं यीशु के कैरेक्टर को देखता हूँ, मुझे एक बात समझ में आती है, वो परमेश्वर की एक कमजोरी मान लीजिए, परमेश्वर की एक कमजोरी है, और वो है कि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर की कमजोरी मान लीजिए आप कि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है,
परमेश्वर की स्ट्रेंथ के बारे में, परमेश्वर की ताकत के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, मगर परमेश्वर का हृदय आपके लिए धड़कता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु अपने अपने भेद की बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता है, प्रभु अपने दिल की बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता है। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, उससे पहले प्रभु आपको बताने के लिए तैयार है। क्या आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं क्या? प्रभु अपने भेदों को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उससे प्यार करते हैं। अब्राहम से क्यों प्रकट किया बताएं? क्योंकि परमेश्वर को पता था अब्राहम मेरा विश्वास योग्य दास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में कई बार मैंने इस बात को महसूस किया, मुझे स्पिरिट में कई लोगों के लिए प्रभु बताता है कि ये जो है वो आउट ऑफ ट्रैक हो गया है, ये जो है वो पाप में पड़ गया है, और मैं उस व्यक्ति को कॉल करके कहूंगा तुम्हारे जीवन में ये चीजें चल रही है, और परमेश्वर कह रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि ये सुधरने का समय है, ये समय है अपने आप को करेक्ट करने का, ये समय है अपने आप को सही करने का। हालेलुया। पहली और इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों की केयर करी है। वो गलत थे, वो गलत करते थे, फिर अच्छा करते थे, वो कुछ भी करते थे, मगर प्रभु उनके पीढ़ियों से पीढ़ी को आशीष देने वाला प्रभु है, वो प्यार करने वाला प्रभु है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सदैव जागृत है। इसका मतलब क्या है? उसने प्रतिज्ञा यहां पर अब्राहम से करी है, और वही प्रतिज्ञा के कारण वो लोगों को बचाना चाह रहा है। परमेश्वर अपने भेद की बातें उन लोगों पर प्रकट करता है जो लोग उससे प्यार करते हैं। परमेश्वर अपने भेद की बातों को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। सिंपली सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, यदि परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा और आपने उसे ओबे नहीं किया, प्रभु ने दूसरी बार कहा आपने उसे ओबे नहीं किया, प्रभु बात करना बंद कर देगा। यदि आपने परमेश्वर ने आपसे एक बार कुछ कहा, आपने उसे ओबे किया, आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, प्रभु ने जो कहा आपने वो किया, प्रभु बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे बातचीत करेगा। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री क्या है? प्रोफेटिक मिनिस्ट्री यह है, प्रभु ने जो कहा है वो आगे पहुंचाना है। सो यदि आपने कुछ रिसीव किया और आपने आगे नहीं पहुंचाया, तो वो आवाज जो आपको सुनाई देती है, जो परमेश्वर अपने भेद की बातों को बताता है, वो बंद हो जाएगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, इस स्थान को छोड़कर जो इस जगह में तुझे देने वाला वहां पर चले जाए, वो चला गया। परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को बलि कर दे, चला गया। परमेश्वर ने कहा ये कर, कर दिया। बाइबल में लिखा हुआ अब्राहम के लिए जो परमेश्वर कहता था अब्राहम वो करता था। परमेश्वर यदि ऐसे व्यक्ति से अपने हृदय को शेयर नहीं करेगा तो किससे करेगा? यदि परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते, परमेश्वर ने कहा ऐसा कर, आपने किया वैसा कर, आपने किया ये कर, आपने किया, और यदि ऐसा है तो परमेश्वर अपने हृदय की बातें आप पर और रिवील करेगा, परमेश्वर अपने दिल की बातें आप पर और रिवील करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है चर्च के लोगों,